बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सदीक आजमी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब। मेरे साथ बैरिस्टर मोहम्मद सैफ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के, आपको पता है जाना पहचाना नाम है, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं हर जगह आजकल, इन पर बड़ी जिम्मेदारी है। और अभी खास तौर पर जो हालात है इस वक्त, कानूनी पेचीदगियां हैं वो इनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, कानून के तालिब इल्म है ऑफकोर्स। और सबसे पहले इनसे डायरेक्ट मैं सवालात का सिलसिला जो शुरू करूंगा। बैरिस्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोसीजर एक्ट जो भी हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में, काफी अरसे से केस चल रहा था, इस पर फैसला आया, उस पर लोग जो अभी काफी तजबजब में है कि फैसला असल में किसकी फेवर में आया, किसके हक में आया, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, क्या उनकी ताहियात महली बरकरार है या नहीं, तो ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। सबसे पहले फैसला है क्या और इसके क्या इनका? देखें जी, एक तो ये जो केस जेरे समाप्त था सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कई इश्यूज थे। कुछ तो जो अहम इशू था या जो बुनियादी इशू था वो तो ये था कि वो दो तीन सवालात पर मुश्तमिल ये इशू था कि क्या पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो अंदरूनी मामलात हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं जिसमें बेंचों की तश्कील और चीफ जस्टिस के इस हवाले से इख्तियारात हैं, क्या उस हवाले से पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है या नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट ने ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था इसको जब पास किया तो इसको चैलेंज किया गया था और उसमें सवाल यही उठाया गया था कि पार्लियामेंट ने अपने हुदूद से तजावज किया है, उनको सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इस सिलसिले में चूंकि आईन की भी एक शिक है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स जो है, इंटरनल रेगुलेटरी जो रूल्स होते हैं उनको बनाने का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, और चूंकि ये आईनी शिक थी तो बाज़ वो कला का ये ख्याल था कि पार्लियामेंट इसमें जब तक आईन में तब्दीली ना करे उस वक्त तक ये तब्दीली नहीं कर सकती, सिंपल कानून साजी से, आम कानून साजी से ये तब्दीली नहीं आ सकती। दूसरा ये उसूल था कि इसको भी एजिटेट किया गया कि पार्लियामेंट जो है वो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए क्योंकि जुडिशरी और मुकन्नन और अदलिया जो है ये अलग अलग इदारे हैं और जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी में उसकी ये खिलाफ वर्जी होगी। दूसरा ये था कि अपील में जो आर्टिकल 184(3) है आईन का, जिसके तहत सुओ मोटो एक्शन भी लिया जाता है या सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद किसी मामले को अगर मुनासिब समझती है इंसाफ के तकाजों के मुताबिक तो उस मसले को उठाया जा सकता है, उसमें ये हुआ करता था कि अपील नहीं हो सकती थी, उसको आप जिस शख्स के खिलाफ फैसला आता था तो उसको वो चैलेंज नहीं कर सकता था, और अपील का हक जो है वो आईनी कानूनी तनाजर में एक अहम हक है जो कि हर शख्स को होना चाहिए। तो ये एक तब्दीली थी जो कि मैं समझता हूँ कि अच्छी तरमीम थी जिससे लोगों को अपील का हक मिलने का एक इम्कान पैदा हो रहा था। तो इसको जब चैलेंज किया गया उसमें सुप्रीम कोर्ट के 15 जज बैठे जो फुल कोर्ट है, और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस साहब ने अच्छा इकदाम किया कि उन्होंने तमाम फुल कोर्ट बिठाया ताकि किसी को कोई शक और इबहाम ना रहे। उस केस में आज फैसला आया तो जो मुख्तसर अल्तरीन अल्फाज में मैं बयान कर सकता हूँ वो ये है कि एक तो आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ने हक दे दिया है कि उस फैसले के खिलाफ कोई भी शख्स जो कि मुतासिर हो वो अपील कर सकता है, उसको चैलेंज कर सकता है, लेकिन उसके साथ शर्त ये रखी है कि ये इस उसूल का और इस फैसले का इतलाक जो है वो आइंदा आने वाले केसेस पे होगा, यानी आज के बाद अगर कोई ऐसा मसला पेश आता है तो उसमें तो वो शख्स अपील कर सकता है, लेकिन जो पुराने केसेस उनके खिलाफ लोगों के खिलाफ 184(3) के तहत डिसाइड हुए हैं उनमें अपील का हक नहीं दिया गया, यानी रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो है वो नहीं होगी। बिल्कुल। दूसरा जो इसमें एक जी प्लीज, यहाँ पे सवाल एक पैदा होता है, आपने कहा जो माजी के केसेस है, तो माजी के केसेस अगर आप देखें तो सबसे बड़ा केस जाहिर है नवाज शरीफ साहब की ताहियात नहली का केस है जिसपे एक महीने से शोर मचा हुआ था कि ये वापस आ रहे हैं और इन्हें फिर वजीर आजम बनाया जाएगा, और इसके अलावा आपको पता यूसुफ गिलानी थे और शायद कुछ जहांगीर तरीन है, तो अगर ये माजी के केसेस अगर नहीं आप इसके फैसले की रोशनी में आ सकते तो इसका मतलब है कि मियाँ साहब, जहांगीर तरीन और यूसुफ गिलानी नाअहल ही रहेंगे। देखें, इस वक्त जो फैसले की नौइयत है उसके तहत तो मियाँ साहब को अपील करने का हक नहीं है क्योंकि उनका फैसला जो है केस वो इस फैसले से बहुत पहले डिसाइड हो चुका था, तो उनको तो राइट ऑफ अपील नहीं दी गई। दूसरा एक इशू ये भी है जो एक इम्पॉर्टेंट है कि मियाँ साहब को नाअहल करने का जो फैसला हुआ था वो 7 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने किया था जिसमें 7 जज साहिबान थे, उन्होंने कहा था कि मियाँ साहब जो है ये
तहयात नाअहल है, फॉर लाइफ नाअहल है। इसमें जो रेलेवेंट आर्टिकल है सुप्रीम आईन का, वो आर्टिकल 62(1)(f) है, जो तहयात नाअहली के इस इशू पर नवाज शरीफ पर अप्लाई होता है। अब अगर नवाज शरीफ साहब अपील का हक तो रखते नहीं है, अपने पुराने फैसले को तो वो चैलेंज नहीं कर सकते, उनके पास अब एक ही रास्ता है कि वो इलेक्शन कमीशन में जब ये कागजात नामजदगी जमा करने जाएं इलेक्शन पे, तो इस बात का इम्कान है कि इनके कागजात नामजदगी इस बुनियाद पर रिजेक्ट हो जाएं कि आप तहयात नाअहल हैं। उसमें फिर उनके पास एक गुंजाइश कानूनी निकल सकती है कि वो इलेक्शन के कमीशन के उस फैसले के खिलाफ या रिटर्निंग अफसर के उस फैसले के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो जाते हैं और अपनी नाअहली के फैसले को चैलेंज करते हैं कि मुझे 5 साल मेरे ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि एक चीज ध्यान में रखें कि कानून में तब्दीली हो चुकी है, उन्होंने 5 साल कर दी है अब, तो नवाज शरीफ साहब पर उसकी एप्लीकेशन का वाहिद रास्ता ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए, इस फैसले को चैलेंज करें जो 7 रुकनी बेंच वाला फैसला था, और उसमें ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट 9 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे जो 7 से ज्यादा हो, और वो जज साहिबान फिर फैसला करें। अगर उनका फैसला नवाज शरीफ साहब के हक में आ जाता है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे और वो लीगली लड़ सकेंगे। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता या जब तक ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ साहब नाअहली रहेंगे, जहांगीर तरीन साहब भी नाअहली रहेंगे। बिल्कुल जी, आपने बड़ा टेक्निकल पॉइंट बताया, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के पास अगर उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो तो इलेक्शन कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट से बहुत नीचे इदारा है, उसके बाद हाई कोर्ट, ठीक है उनकी पावर जज की शायद उसके बराबर हो सकती है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पहले से फैसला कर चुके हैं तो उस इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना ये कोई थोड़ा टेक्निकल मामला नहीं बन जाएगा? जी, असल में यही इसमें एक आईनी या मैं इसको कहूंगा कानूनी नुक्ता है कि चूंकि अब जो मौजूदा कानून है वो चेंज हो चुका है और उसमें 5 साल की बात की गई है, तो अगर सुप्रीम अगर कोई भी शख्स जो पुराने कानून से मुतासिर होकर नाइल हुआ हो अगर वो अब जाएगा तो इलेक्शन कमीशन उसको नए कानून के तहत ही डील करेगा क्योंकि पुराना कानून तो रहा नहीं, तो इन केस पहले तो वो मुस्तरद करेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जाहिर है कि मियां साहब का या किसी भी ऐसे नाइल शख्स का जब के जब कागजात नामजदगी पेश होंगे तो मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं वो उस पर एतराज करेंगे, यकीनन मुखालिफ उम्मीदवारान मियां साहब के कागजात पर भी एतराज करेंगे और कहेंगे कि ये नाइल है। उस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए कि वो इनको रिजेक्ट करें, जो रिटर्निंग ऑफिसर है जो आरओ होगा उसको चाहिए कि वो रिजेक्ट कर दे, मुस्तरद कर दे, लेकिन अगर वो इन केस इस बुनियाद पर मुस्तरद नहीं करता कि मेरा इख्तियार नहीं है और मैं जो हूं पाबंद हूं 5 साल के लिए, तो फिर मियां साहब के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का इख्तियार है, फिर और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। देखें हाई कोर्ट भी मियां साहब की मदद इसलिए नहीं कर सकती कि हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे है, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट का 7 मेंबर बेंच का फैसला आ चुका है और वो इनफील्ड है इस वक्त मैदान में, वही फैसला एप्लीकेबल है और वैलिड है, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट भी जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई और फैसला नहीं दे सकती। ये अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की जवाबदेही है कि वो इस किस्म के किसी मसले में पिटीशन आती है तो वो 9 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करे, 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच बनाए और फिर वो केस सुनकर नवाज शरीफ साहब को अहल कर दें, करार दे दें कि ठीक है जी जो ताहयात नाइली है उसको हम खत्म करते हैं और आपको 5 साल का करके आपको इजाजत देते हैं इलेक्शन की। यही सूरत हाल है उनके पास और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक और इसमें अभी आपने बात की जो 5 साल का जो कानून चेंज हुआ, क्या ये पार्लियामेंट की तरफ से चेंज हुआ 2/3 अक्सरियत से या इलेक्शन कमीशन में या सुप्रीम कोर्ट में, किसने चेंज किया ये कानून? देखें इसकी इंटरप्रिटेशन की गई है और जिस तरह से अभी ये हालिया तरामीम हुई हैं उनमें इस बात को उठाया गया और ये हुआ है, लेकिन ये भी अभी सब्जेक्ट टू वो होगा कि जब आगे किसी केस में इस पर ऑब्जेक्शन उठेगा और सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में कोई वैलिडेशन देगी तो तभी इसके बारे में कोई हतमी बात की जा सकती है। अच्छा, एक चीज बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आप कानून के तालबिल में कि मियां साहब जब अगर वतन वापस आते हैं जो आप बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन फर्ज करें अगर वो आते हैं तो क्या उन्हें डायरेक्ट सीधा जेल में लेके जाना, इस पे तमाम वकला यूनानिमसली जजेस एग्रीड है इस बात पे कि जो उनकी कन्विक्शन है क्योंकि वो जाहिर है ऑलरेडी इश्तिहारी हैं, अब्सकेंडर हैं, तो क्या उन्हें डायरेक्ट वहां से जेल में जाना पड़ेगा या उनके लिए वहां पे कुछ ऐसा मामला बन सकता है कि उन्हें हिफाजती जमानत पहले ही मिल जाए? देखें बड़ी वाजे सी बात है कि अगर कानून का
इस वक्त जो जो हमारी हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, हमारा जो जाब्ता फौजदारी है और दीगर जो क्रिमिनल लॉ में जितने प्रेसिडेंट्स अब तक आए हैं, आला अदालतों के फैसले हैं, उनके तहत तो मियां साहब के लिए सिवाय इसके कोई और रास्ता ही नहीं है कि वो जैसी पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हों उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार करने के बाद वो जेल जाएंगे, जेल जाने के बाद वो पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए एप्लीकेशन देंगे और पोस्ट अरेस्ट बेल भी मुलजिमान की होती है, मुजरिम जो होते हैं जिनको सजा हो चुकी होती है उनके लिए कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उनको नए ग्राउंड्स पे बताना पड़ेगा कि क्यों मैं एलिजिबल हूं। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग तो यही है और दीगर वकला भी यही कहते हैं कि मियां साहब को आजाद रहने की गुंजाइश नहीं है, मियां साहब जेल ही जाएंगे और फिर अगर अदालत उनको आजाद रिहा करने का फैसला करती है तो तब वो बाहर आएंगे, क्योंकि इस वक्त तक अदालतों को मतलूब भी है, कन्विक्टेड भी है और उनके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट भी जारी हो चुके हैं। दूसरा इशू ये है कि कानून तो ये कहता है, जाब्ता फौजदारी जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका सेक्शन 216 है, 216 उसके तहत तो हर वो शख्स जो किसी मफरूर मुजरिम को पनाह दे, उसको असिस्ट करे, उसके साथ मावनत करे, वो भी गिरफ्तार होगा। यानी मैं तो समझता हूँ कि जो लोग मियां साहब का इस्तकबाल करेंगे, जो उनको गाड़ियों में बिठा के मीनार पाकिस्तान लेके जाएंगे, उनके साथ स्टेज पे बैठेंगे, उन पर भी ये शिक लागू होती है, उनको भी जेल जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट और बड़ा अहम नुक्ता आपने बताया। अच्छा, अभी तहरीके इंसाफ की खवातीन सनम जावेद और खदीजा शाह, सनम जावेद तो बराह रास्त तहरीके इंसाफ में नहीं है लेकिन बाकी जो लोग हैं इन सब लोगों के केसेस इंसदाद दहशतगर्दी में आज आपको पता उन्हें जमानतें मिली हैं, तो क्या लगता है आपको उन्हें क्या दोबारा अरेस्ट कर लिया जाएगा या इस दफा बाकी उन्हें छोड़ दिया जाएगा? देखिए, जाती तौर पर तो अगर कानून को देखा जाए और मेरा मेरी जाती राय आप लें तो मैं तो समझता हूँ कि उनको अब तक छोड़ दिया जाना चाहिए था। उनके केस में जिस तरह के उनके खिलाफ, इसमें एक सवाल जरा ऐड भी कर लें क्योंकि ताकि फिर जवाब सही आपका आ जाए, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब एक एमपीओ के तहत जो मुकदमा इस्लामाबाद की हदूद में खासतौर पर वो सुन भी रहे हैं इस वक्त, तो एमपीओ के तहत इनको उठाया जाता है ज्यादातर, तो ये जरा उसमें ऐड कर लें। कारण देखें, इनको गिरफ्तार किया गया था और बाद में इन पर मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्दी के सेक्शंस लगाए गए थे, इनसे दहशतगर्दी का जो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो है उसके तहत जो शिके हैं वो इन पर लगाई गई थी, तो उस वजह से इनको इस वजह से ये लगाई गई थी कि इनकी जमानत ना हो सके क्योंकि वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेज में फिर आ जाती है चीज। तो अब जो इशू है वो बुनियादी तौर पर यह है कि अब तक जो कुछ भी केस में कार्रवाई हुई है और ये खवातीन भी हैं, इनका ऐसा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का भी कोई एविडेंस नहीं आ रहा क्योंकि अब तक तो पुलिस ने या जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन्होंने मुकम्मल तौर पे चालान भी इनके खिलाफ नहीं पेश किया, तो इसलिए इस बात का भी कोई सबूत नहीं है कि ये उस वक्त उस मौके पर मौजूद थी या ये उस जुर्म में एक्टिवली इन्वॉल्व थी। तो बेसिकली तो केस सारा पोलिटिकल है, लेकिन चूंकि हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा एक सानेहा है या अलमिया है कि हम हमेशा कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि एक सियासी इशू है इसलिए कानून को गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना इनको अब तक बेल हो जानी चाहिए थी, इनको रिहा हो जाना चाहिए था। जहां तक एमपीओ का ताल्लुक है, देखिए एमपीओ का जो कानून है वो तो एक बिल्कुल ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है, डिप्टी कमिश्नर के पास इख्तियार है कि वो एमपीओ के तहत किसी को भी गिरफ्तार करने का या हिरासत में लेने का ऑर्डर कर दे, कि इसकी वजह से अमने आमा को खदशा लायक है कि ये कोई ऐसी हरकत करेगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा होगी। मेरे ख्याल में ये तो बिल्कुल ही एक ऐसा स्टेप है जिसको मैं ड्रेकोनियन स्टेप कहूंगा कि ये एक डिप्टी कमिश्नर जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर भी नहीं होता, एग्जीक्यूटिव का ऑफिसर होता है, उसके पास एक बहुत बड़ा इख्तियार है जो कि पाकिस्तान के आईनी तनाजर में वैसे भी नहीं होना चाहिए किसी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास। इस सिलसिले में बाबर सत्तार साहब ने भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को शो कॉज नोटिस दिया हुआ है और बड़ा सख्ती के साथ उनके साथ डील कर रहे हैं शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार के केस में, और दूसरी तरफ पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तो इससे भी ज्यादा कई कदम आगे बढ़कर सख्ती से मना किया हुआ है इनको इस तरह के कानून को अप्लाई करने। लेकिन फिर भी बात यही होती है कि चूंकि ये जो हमारी इंतजामिया है, जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, ये वो शुतरे बेमहार की तरह अपने इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये एमपीओ का मसला तो हमारे सर से, मतलब हमारा जो खदशा है ये हमारे सर से उतर जाएगा। लेकिन सनम जावेद और जो बाकी खवातीन हैं उनके साथ वाकई ज्यादती हो रही है और मैं समझता हूँ उनको भी अगर कानून के मुताबिक डील किया जाए तो उनको भी रिहा हो जाना चाहिए। इंशाल्लाह
अच्छा, इसके साथ साथ ये बताया, अभी तहरीके इंसाफ को बैरिस्टर गौर साहब हैं आपके, उन्होंने अभी ट्वीट भी की कि तहरीके इंसाफ को जलसों की इजाजत मिल गई, खुशखबरी है, अब आपके बड़े बड़े जलसे शुरू होंगे, इलेक्शन कैंपेन होगी, पिशावर में 14 तारीख से आपका वर्कर कन्वेंशन भी शुरू हो रहा है, तो ये मामला सारे किस तरह जा रहे हैं? आवाम क्या खुश हो जाए, तैयारी पकड़ ले अपनी बाहर निकलने की, बस झंडे उठा ले, क्या करें आप? देखें, अवाम को तो झंडे उठा लेने चाहिए, किसी ऑर्डर की वो नहीं करनी चाहिए, क्या कहते हैं कि जरूरत भी नहीं है और ना इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो तो बहुत इस बात के मुतकाजी हैं कि अवाम उठ खड़ी हो और अपने हकूक के लिए जदोजहद का हिस्सा बने। जहां तक ताल्लुक है पिशावर में जलसों का, तो खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की तंजीम ने फैसला किया है कि जुमे के दिन फलस्तीन का जो मसला है, गजा पे जो बमबारी हो रही है, गोलाबारी हो रही है, इसके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएं और इंशाल्लाह पिशावर में और दीगर शहरों में जुमे के दिन मुजाहरे होंगे और फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। इस सिलसिले में मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिशावर में या केपी में तो हमारे कारकुनान जलसे कर रहे हैं। कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले मर्दान में आतिफ खान साहब की जगह पे जलसा हुआ और देखें ज्यादा ये है कि जलसा हुआ वो उनके हुजरे में, ये नहीं उनके उनके अपनी जाती प्रॉपर्टी के अंदर प्रोग्राम हुआ, लेकिन इंतजामिया ने फिर भी लोगों को गिरफ्तार किया और FIR दर्ज की, हालांकि MPO का इतलाक या किसी भी कानून का इतलाक या इजाजत नामे का इतलाक किसी की जाती जमीन पर या प्रेमिसेस पे नहीं होता। तो ये ज्यादतियां तो हमारे साथ हो रही हैं और इसके बारे में अदालतों को भी पता है और हुकूमत को भी पता है कि ज्यादती कर रहे हैं। चले उसका हिसाब तो इंशाल्लाह हम चुकाएंगे जब अल्लाह हमें मौका देगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि इस वक्त तो पीटीआई की मकबूलियत का ये आलम है और पीटीआई का वर्कर इतना चार्ज है कि आज भी मैं आपको कहूं कि एक तरफ आप नवाज शरीफ साहब को बिठा दें और दूसरी तरफ सिर्फ इमरान खान की तस्वीर लगा दें, आप देखेंगे इमरान खान की तस्वीर देखने के लिए ज्यादा लोग होंगे और मियां साहब के पास सिर्फ वही जाएंगे जिन्होंने वो क्या कहते हैं वो निहारी और वो दूसरा जो क्या होता है वो चावल जो ये देते हैं वो लीमों में वही खाने, हाँ बिरयानी वही वाले, वही जो लोग जाएंगे, बाकी तो वहां पर कोई नहीं नजर आएगा। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि अभी आपने बात की तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं तो उसमें अभी असद उमर साहब की एक स्टेटमेंट आपने देखी होगी जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं किसी ऐसी मीटिंग में नहीं था जिसमें 9 मई के हवाले से कोई प्लान बना, वो आपके जनरल सेक्रेटरी थे, बड़े अहम अहदे पर थे, क्या उन्हें ये बात इस तरह नहीं करनी चाहिए थी कि चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने ऐसी कोई मीटिंग नहीं की, जिस तरह आपके बाकी लोग कुरान मजीद पर हलफ दे के कह रहे हैं कि ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई जिसमें हमने शमूलियत इख्तियार की, ऐसी कोई मीटिंग हुई हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसी मीटिंग में नहीं था, मतलब बताना क्या जा रहे हैं, ऐसी मीटिंगें हुई सिर्फ मैं नहीं था, बस अपने आप को बचा रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरा, क्या ये वाकई भी तहरीके इंसाफ का हिस्सा है? देखें असद उमर साहब तो अब तक ये कहते रहे हैं और मीडिया से भी कई मरतबा उनकी बात हुई है, उनसे पूछा गया तहरीके इंसाफ के हवाले से, तो वो तो यही कहते हैं कि मैं अब भी अपने आप को तहरीके इंसाफ का ही हिस्सा समझता हूं और मैं हूं, और कोई ऐसा सच मेरे इलम में कम से कम कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया हो। तहरीक इंसाफ में तो शायद है, लेकिन जहां तक इस मीटिंग का ताल्लुक है, ये जो आप बात कर रहे हैं बयान का, तो वाकई बयान जब बंदा दे तो फिर खुल के देना चाहिए और उसमें सारी बात खुल के करनी चाहिए और सिर्फ ऐसा नजर ना आए कि मैं शायद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन दूसरा मसला ये भी है कि हमने वैसे ओवरऑल ये सिलसिला पीटीआई ने शुरू किया है और इसका स्टार्ट जो है वो केपी से लिया गया, जिसमें तमाम ओहदेदारान और जिम्मेदारान ये कन्फेशन कर रहे हैं और ये बयान रिकॉर्ड करवा रहे हैं कुरान पाक पे हल्फ उठा के कि हमें खान साहब की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं मिली, ना कोई ऐसा जिक्र हुआ, ना उन्होंने हमें कहा कि आप फौजी तनसीबात पर या सरकारी तनसीबात पर हमला करें। तो मेरे ख्याल में ये हमारे लिए एक अच्छा वो है, क्योंकि एक अच्छा इकदाम है, क्योंकि ये हालिया दिनों में आपको पता है जिस तरह के वाकयात हुए हैं, कुछ लोगों को हमारे साथियों को गिरफ्तार करके और उनको गायब रख के हबसे बेजामे रखने के बाद उनको बयानात उनके रिकॉर्ड हुए जो मीडिया चैनल्स ने भी दिखाए। तो मैं समझता हूँ कि इसका हमारे पास यही एक तोड़ है कि हम पहले से इस तरह की स्वर्ण स्टेटमेंट्स दें, हल्फिया बयान दें, ताकि कल अगर खुदा ना खास्ता किसी साथी के साथ ऐसा कोई वाकया होता है तो कम से कम उसका अपना एक हल्फी और एक बाली बयान जो है वो रिकॉर्ड पे हो जिसमें उसने इससे इनकार किया। बिल्कुल। तो बरसे सब साथ मेरे ख्याल में ये चीज भी आपको ऐड करनी चाहिए कि जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं वो भी कुरान मजीद उठा के कहें हाँ जी ये लोग शामिल थे, तो फिर शायद उन्हें भी थोड़ी सी शर्म आ जाए। हाँ ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। अच्छा अब ये बताएं कि अभी जो उस्मान डार या सदाकत अब्बासी जैसे लोग जो अभी बयान दे रहे हैं, सबको पता है वो बयान बंदूक की नोक पर हो रहे, लेकिन तो उनके साथ तहरीके इंसाफ का एज अ पार्टी के तौर पर क्या है कि क्या आप उनके साथ खड़े हैं, वो अभी भी पार्टी में शामिल है?
देखिए, इस सिलसिले में शुरू में तो पार्टी में राय बड़ी सख्त थी। जब शुरू शुरू में हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनको मीडिया के सामने ला के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई, तो हमारे कारकुनान में काफी गम गुस्सा था और वो ये समझ रहे थे कि इनको इतनी जल्दी नहीं टूटना चाहिए था, इतनी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमें इस बात का भी एहसास होने लग गया है कि कई लोगों पर जिस तरह का प्रेशर होता है वो शायद हम उसका उस तरह से अंदाजा नहीं लगा सकते। देखें, एक फर्ज करें, मैं कल गिरफ्तार होता हूं और मुझे दबाया जाता है, मारपीट की जाती है, तशद्दुद किया जाता है, तकलीफ से गुजरता हूं, तो हो सकता है कि मैं खुद अपने ऊपर तो तकलीफ बर्दाश्त कर लूं, लेकिन अगर मेरी वालदा को, मेरी बहनों को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों के लिए कोई खदशा या थ्रेट आए तो शायद वहां पे मैं टूट जाऊं। और कई लोगों के साथ ये हुआ है, माना उस्मान डार साहब के साथ आपको पता है, वो तो रिकॉर्ड पे है कि उनकी वालदा को भी बेइज्जत किया गया और धमकियां दी गई, इस तरह बाकी लोगों। तो हमने अब ये एक अप्रोच डेवलप हुई है पार्टी के अंदर, और अप्रोच ये है कि अगर हमारे साथी इस तरह के हालात में बयान देते हैं तो हमें उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए, हमें वक्त का इंतजार करना चाहिए, उनके रवैये से और उनकी जो बाकी जो एक्शंस हैं, अमल है, उससे हमें पता चल जाएगा कि ये उन्होंने जबरदस्ती बयान दिया था या उनसे बयान लिया गया था। देखें, वैसे भी एक बात आपको बताऊं, अगर किसी शख्स से कानूनी तौर पर पुलिस भी तशद्दुद करके बयान लेती है तो अदालत में अगर ये साबित हो जाए कि तशद्दुद का था तो उस बयान की हैसियत कुछ भी नहीं रहती, वो जीरो हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हमें भी हमें भी इस बात का ख्याल, मुंह पे निशान लगे हुए हैं, यहाँ तो उसकी दो उंगलियों के नाखून नजर आ रहे हैं, ये तो साफ नजर बिल्कुल, आ रहा है। इस वक्त बिल्कुल मुर्ज़ियाती का एक सिलसिला है, जालिम जाहिर है अपना खुल के, आपका आपकी जो बदकिस्मती है कि आपके मुखालिफ जालिम बहुत ताकतवर है, बाहर अल्लाह ताला उससे भी ज्यादा ताकतवर है, इंशाल्लाह इस मसाइल के हल होंगे। आपने अपना बड़ा कीमती वक्त दिया सर, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इंशाल्लाह आपके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।